हिंदी सिनेमा की वो शतरंज के खिलाड़ी जिनकी एक्टिंग जिस किसी ने देखी वो कह उठा चश्मे बद्दूर। हम बात कर रहे हैं रौबदार आवाज और बेहतरीन अदाकारी के मालिक सईद जाफरी की। सईद जाफरी उन चुनिंदा एक्टरों में शुमार है जिनके अभिनय का लोहा विदेशों में भी माना जाता है, लेकिन आज हम आपको इनकी पत्नी के बारे में बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। सईद जाफरी का जन्म पंजाब के मेलर कोटला में 8 जनवरी 1929 को हुआ था। शुरुआती शिक्षा उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मिंटो सर्किल स्कूल से प्राप्त की। यहाँ पढ़ाई के दौरान उन्होंने उर्दू भाषा पर भी काफी अच्छी पकड़ हासिल की। 10 साल की उम्र में उन्होंने सबसे पहले एक नाटक में दारा शिको का रोल किया। यही वो वक्त था जब उन्हें एक्टिंग से मोहब्बत हो गई। 12 साल की उम्र में पहुंचते ही उनका दाखिला मसूरी के विनबर्ग में हो गया। स्कूल में पहुंचने के बाद उन्होंने अंग्रेजी में महारत हासिल कर ली। अंग्रेजी भी ऐसी वैसी नहीं, ब्रिटिश एक्सेंट वाली। यहाँ स्कूल में होने वाले वार्षिक कार्यक्रमों में वो लगातार अभिनय करते रहे और अपनी प्रतिभा को निखारते रहे। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। आजादी के बाद सईद ने नौकरी के लिए दिल्ली का रुख लिया। ऑल इंडिया रेडियो में अंग्रेजी अनाउंसर के तौर पर उन्होंने पहली नौकरी हासिल की। सैलरी कम होने की वजह से उनकी कई रातें ऑफिस की बेंच पर गुजरी। यहाँ काम करते हुए भी एक्टिंग के प्रति उनका लगाव कम नहीं हुआ। कुछ समय बाद उन्होंने फ्रैंक ठाकुर दास और बेंजी बेनेगल के साथ यूनिटी थिएटर की नींव रखी। यही उनकी मुलाकात मधुर बहादुर से हुई, जो आगे चलकर उनकी पत्नी बनी। हालांकि बाद में दोनों का रिश्ता टूट गया। कहते हैं कि हीरे की असली परख जौहरी को ही होती है। यही वजह थी कि महान फिल्मकार सत्यजीत रे ने अपनी एकमात्र हिंदी फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में उन्हें अहम किरदार दिया। फिल्म में मीर रोशन अली का किरदार उन्होंने ऐसा निभाया कि संजीव कपूर जैसे कलाकार होने के बावजूद वो लोगों के दिलों में खास जगह बनाने में कामयाब रहे। रिचर्ड एडनबरो की फिल्म गांधी में सरदार पटेल के किरदार निभाने के लिए उन्होंने भी आज भी खुद को यादगार बनाया है। चश्मे बद्दूर, हीना, दिल, मासूम जैसी फिल्मों में अदाकारी के लिए उन्होंने खास पहचान हासिल की है। सईद उन अभिनेताओं में से एक थे जिनके काम की सराहना विदेशों में भी होती है। उन्होंने हॉलीवुड की कई फिल्मों में भी काम किया, जिनमें द विल बी कॉन्स्पिरेंसी, द मैन हू वुड बी किंग, स्फिंक्स, अ पैसेज टू इंडिया जैसी फिल्में शुमार है। सईद जाफरी की शादी 19 साल की उम्र में मेहरूनिमा से हुई थी और उनकी मृत्यु के बाद सईद जाफरी ने फेसबुक के माध्यम से एक खत लिखा था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी के बारे में कई ऐसी बातें लिखी थी जो भावुक कर देने वाली थी। सईद जाफरी ने फेसबुक पर अपनी डायरी के कई पन्नों को सार्वजनिक किया था। इसमें उन्होंने अपनी पत्नी मेहरूनिमा के बारे में कई बातें लिखी थी। इसमें उन्होंने लिखा था कि वो ब्रिटिश कल्चर से बहुत प्रभावित थे, लेकिन उनकी पत्नी एकदम सिंपल थी। उनकी पत्नी घरेलू टिपिकल हाउसवाइफ थी। वो चाहते थे कि वो अपनी पत्नी मेहरूनिमा को भी मॉडर्न बना दे, हालांकि वो ऐसा कर नहीं पाए और धीरे धीरे मेहरूनिमा उनसे दूर होने लगी। इस दौरान सईद जाफरी अपनी एक को स्टार की तरफ आकर्षित हो गए। सईद शादी के 10 साल बाद मेहरूनिमा को तलाक दे चुके थे। सईद जाफरी ने अपनी को स्टार जेनिफर से दूसरी शादी की, जो कि कुछ महीनों तक ही सही चली। जेनिफर उनकी मेहरूनिमा जितनी केयर नहीं करती थी, वो अपनी पत्नी को मिस करने लगे। दूसरी शादी के 6 साल बाद उन्होंने अपनी पत्नी के ऊपर एक आर्टिकल देखा। वो एक उभरती हुई शेफ बन गई थी। वो पहले से ज्यादा सभ्य और खूबसूरत हो गई थी। उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और अपना नाम भी बदल लिया था। इसके बाद वो मेहरूनिमा से आखिर बार मिलने गए, लेकिन उन्होंने उनसे मिलने से मना कर दिया। सईद जाफरी ने अपने स्वार्थ के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया। सईद के मुताबिक उन्होंने हमेशा खुद से प्यार किया। वो अपनी पत्नी के साथ किए हुए व्यवहार उन्हें छोड़ने के लिए काफी शर्मिंदा थी। वो खुद को मेहरूनिमा का गुनहगार भी मानती थी। उन्होंने ये भी कहा था कि इस बात का अफसोस उन्हें ताउम्र रहेगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।